पढ़े लिखे लोगों ने समाज को धोखा दिया, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य समण समाज एससी एसटी ओबीसी के लोग हर मंच हर जगह सुनते हैं और बार बार उनके कानों में और उनके दिमाग में हैमर किया जाता है, हथौड़ी की तरह मारा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया और उस आगरे के भाषण को इसमें कोट किया जाता है। ये स्टेटमेंट आज के समय आज की तारीख में पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब ने जिस समय ये बात कही उस समय ये बात बिल्कुल ठीक थी, मगर पिछले 70 साल का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पिछले 70 साल में जो टैलेंट है, जो टाइम है और जो पैसा है, जो बुद्धि है, वो सारी की सारी पढ़े लिखे लोगों से आई है। क्योंकि जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें कोई कोई ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा विचारशील होता है, क्रियाशील होता है। अधिकतर लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनकी स्थिति क्या है और उनके साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ये पढ़े लिखे लोग जो साधन संपन्न लोग हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं आने जाने में, जो अपना टैलेंट खर्च करते हैं, वही लोग पूरे समाज को बताते हैं कि क्या चल रहा है। अगर आप पिछले समय का या पिछले इतिहास उठाएंगे तो जो बामसेफ नाम की संस्था बनी थी वो सारी की सारी सरकारी कर्मचारियों की थी, क्योंकि समाज के अंदर जो पैसा आया वो पैसा मोस्टली सरकारी कर्मचारियों के पास से ही आया। उन्होंने ही अपने पैसे में से बचाकर उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को खड़ा किया। कोई ये कहे कि एक व्यक्ति का आंदोलन है तो एक व्यक्ति का आंदोलन कभी जिंदगी में नहीं होता। व्यक्ति प्रेरणा दे सकता है, व्यक्ति रास्ता बता सकता है, रास्ते पे चल सकता है, मगर उस रास्ते पे अगर कोई व्यक्ति अकेला चले तो वो आंदोलन नहीं होता, वो तो संत और साधु होता है। तो आंदोलनकारी लोगों के साथ में जो सेक्रीफाइस करते हैं और जो अपना समय और अपना पैसा, अपना टैलेंट देते हैं, उनकी संख्या हजारों लाखों में होती है, जो उनके सपोर्टर होते हैं, जो उनके साथ चलने वाले होते हैं और जो कई बार जिनके नाम आगे नहीं आते और वो उस एक व्यक्ति से आगे भी काम करते हैं, यानी उससे ज़्यादा भी काम करते हैं, दिखाई नहीं देता वो अलग बात है, उनका नाम नहीं होता ये अलग बात है। ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूँ। तो पिछले दिनों जो जितनी मूवमेंट चली उसमें जितने भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और आज भी जो मूवमेंट चला रहे हैं उसमें पढ़े लिखे लोग ही टाइम, टैलेंट और पैसा दे रहे हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया आज के समय, मगर ये बात ठीक है कि वो जो लोग हैं पढ़े लिखे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके साथ में जब उनकी इच्छा जागृत होती है, जब उनका कॉन्शियस अलाउ करता है, जब उनको ये समझ आता है कि जो वो पढ़े हैं, जो लिखे हैं या जो वो आज पद पे हैं या इस पोजीशन पे हैं, इसका असली हकदार समाज है और ये हमें बाबा साहब की वजह से मिला है, तो उनके अंदर एक बेचैनी जागती है और वो सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। और इस बेचैनी के साथ साथ में उनके साथ में एक ईगो, एक अहम और एक प्रसिद्धि और एक मेरा मेरा वाला भाव आ जाता है, जिससे वो एकल चलते हैं, अकेले चलते हैं। और कुछ उनके चमचे जो ये सोचते हैं कि हम साथ चलें तो ये अफसर है, बड़ा अफसर है, हमें कुछ मिल जाएगा, कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी, किसी काम आ जाएगा, कहीं कोई बात खराब होगी तो किसी अफसर को कह देगा, इसलिए उसके साथ लग जाते हैं बिना उससे ये पूछे, बिना उससे ये जाने कि भाई तुम जो ये काम कर रहे हो क्या ये काम किसी डेस्टिनेशन तक, किसी उद्देश्य तक, किसी गंतव्य तक कहीं पहुंचेगा भी या नहीं। और हकीकत यह है कि अगर उन काम करने वाले अफसरों से आप पूछ लो तो वो खुद ये जानते हैं कि वो अकेले कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ, कोई छोटा मोटा एमएलए बन सकता है, कोई कोई बाय चांस अगर किसी पार्टी के पैरों में पड़ जाए, या कोई छोटा मोटा पोस्ट ले सकता है किसी समिति का, चेयरमैन वगैरह कहीं, बस इतना तो उसको मिल सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, और वो संगठित ना रह के ऐसा सोचते हैं कि हम एक बड़ी लाइन खींचेंगे और हम सब कुछ ठीक कर देंगे और हम ही करेंगे इसको।
उनको लगता है कि वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वही सबसे ज़्यादा काबिल है, और उनके काबिलियत का सर्टिफिकेट ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट की एक जॉब जो बड़ी है, बड़े लेवल की है, वो प्राप्त की है। तो वो इस गुमान में रहते हैं कि हम और भी बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो अफसर हैं उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद आए हैं, और बहुत सारों की इच्छा है, मगर सबकी एकल और इंडिविजुअल है। उनमें आपस में इतना वैमनस्य है कि एक ही फील्ड में काम करने वाले, धर्म में काम करने वाले जो अफसर हैं वो एक साथ नहीं हैं, राजनीति में जो इच्छुक हैं वो एक साथ नहीं हैं, और सामाजिक आंदोलन में जो काम कर रहे लोग हैं, जो सामाजिक जगहों में काम करते हैं, वो भी एक साथ नहीं हैं। देखने में आपको मंच पर ऐसा लगेगा क्योंकि एक दूसरे की बुराई नहीं करते, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनके कार्य आप देखेंगे तो वो बुराई से भी ज़्यादा है। उनके कार्य डिवाइडेड हैं और चारों दिशाओं में चारों तरफ भागते हैं, एक दिशा में नहीं भागते। अगर ये सारे अफसर एक दिन के लिए भी इकट्ठे हो जाएं तो आपकी 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर ये सारे अफसर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि सारा काम तो एग्जीक्यूटिव चलता है, प्रशासनिक जितना काम है वो सारे अफसर चलाते हैं, बाबू चलाते हैं, छोटे या बड़े मिलके, जब ये सारे लोग साथ होंगे तो एक सामाजिक जो दूरी है वो कम होगी, और समाज के काम करने के लिए जब ये तत्पर होंगे तो इनके नेटवर्क, इनके चैन इतने ज़्यादा हैं पूरे देश में, ये बिखरे हुए हैं कि ये आपका सारा काम कर देंगे। कैसे कर देंगे? ये जितने भी अफसर हैं नीचे से लेके ऊपर तक, इन सबकी एक चैन है और ये पूरे देश में बिखरे हुए हैं, और हर जगह आपको समण समाज के SC ST OBC के अफसर से लेके चपरासी तक मिल जाएंगे। अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चैन बन जाती है, फिर आपका कोई भी सरकारी स्कीम या कोई भी सरकारी कार्य है वो आप किसी अपने अफसर से बात करेंगे, मिलेंगे, तो वो बता देगा कि वहाँ ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, वो काम आपका हो जाएगा। तो आपको सरकारी स्कीम का, सरकारी जितने भी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा, तो 50% समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, और बाकी 50% भी फिर धीरे धीरे समस्या सॉल्व हो जाएगी, अगर ये खाली सारे अफसर भी एक साथ आ जाए। मगर ये नहीं आते तो नुकसान हमारे जैसे लोगों का तो है ही, क्योंकि हम तो मरने वाले हैं ही, हमारा तो सब कुछ जा चुका है, मगर मिलेगा इनको भी कुछ नहीं, क्योंकि इनके बच्चे अब IPS, IAS, IRS, IFS नहीं बन पाएंगे। वो रास्ता बंद हो चुका है, वहाँ लेटरल एंट्री आ चुकी है, वो जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि अब नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, और बिजनेस यहाँ चलता नहीं, क्योंकि बिजनेस जात से चलता है और ज़मीनें किसी के पास है नहीं। बाकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो शोषण होगा, आप करके आएंगे PhD और नौकरी मिलेगी आपको ट्यूटर की और मास्टर की, प्राइमरी मास्टर की, तो उसको शोषण बोलते हैं, वो आपका एट्रोसिटीज आपके साथ होगी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होना है जिन्होंने बाबा साहब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और जो जानते हैं कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो बच जाएंगे, मगर उनके ईगो, उनके अहम, या उनकी बेवकूफ़ी, या उनकी ऐसी हरकतें जो समाज के लिए घातक हैं, उनकी वजह से समाज का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उससे ज़्यादा नुकसान खुद उनका होने वाला है। इसलिए इन सबको बचाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ऐसा है कि आप सब जितने भी लोग हैं इनको कहें कि आप इकट्ठे होकर काम करें, आप एक साथ रहें और इनको सपोर्ट ना करें अलग अलग। अगर आप इनको अलग अलग सपोर्ट करेंगे ये सोच कर कि ये अफसर हैं हमारे किसी काम आएंगे, हम इनसे क्यों बिगाड़ें, हम इनके साथ जाना चाहिए, या आप उनकी जूम मीटिंग में वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, या उनके कहने पर कहीं वैसे ही चले जाते हैं, या आप सोचते हैं कि ये अफसर है इसके पास जाना चाहिए, चले जाते हैं, तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। आप पोस्ट बनाइए, आप उनको टेलीफोन कीजिए, आप उनको वीडियो बनाकर कहिए, भाई आप इकट्ठे हो जाइए, बाबा साहब ने यही कहा है, आप कितने भी बड़े हैं मगर बाबा साहब से बड़े नहीं हैं, बाबा साहब की सोच से बड़े नहीं हैं। और कोई व्यक्ति अगर ये समझता है कि वो बाबा साहब से बड़ा है तो बाबा साहब ने अपने से बड़ा होने के लिए मना नहीं किया है। कोई व्यक्ति, उसके बच्चे अगर उससे बड़ा होता है तो खुशी होती है, मगर बाबा साहब से बड़ा होने के लिए आपको समाज में बाबा साहब से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो समाज आपको उसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा, अदरवाइज़ तो आप तो मरेंगे ही मरेंगे, आपसे पहले ये समाज मर जाएगा, और जिसका समाज मरता है उसकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, ये प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।
Sangam Sarunam Gacchami.